हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये परसों शाम का समय था जब मैं लाइव पे लाइव कर रही थी। वीडियोस में मैं कितनी रोए जा रही थी, टेंशन ले रही थी, तो मैं बहुत स्ट्रेस में थी। और फिर शाम को मम्मी मेरे कमरे में आते हैं और कहते हैं कि मोटर ख़राब हो गई है तो नई मोटर ख़रीद ला। तो मैं चली जाती हूँ यहाँ पर, देखिए बाज़ार में आती हूँ। मैंने कहा चलो मैं पता करती हूँ, रेट पता करूँगी कितने की मोटर आती है। इधर एक राजगुरु मार्केट में कुल्फ़ी फलूदे वाला है, वहाँ से मैंने ये ली थी, फलूदे वाली आइसक्रीम ली। विहान के लिए थी, मुझे लगा अच्छी लगेगी, विहान को खाएगा। ठंड, गर्मी का समय है, इतनी तेज़ गर्मी में तो आइसक्रीम अच्छी लगती है। पर विहान का पेट भरा हुआ था, घर से ही खाना खा के चला था, तो विहान ने एक चम्मच भी आइसक्रीम नहीं खाई। बोलता मम्मी मैं नहीं खाऊंगा। तो मुझे लगा चलो अब तो मुझे ही फिनिश करनी पड़ेगी। पूरी की पूरी फलूदा आइसक्रीम मैंने खाई और बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मैं बचपन में खाया करती थी इस तरीके की फलूदा आइसक्रीम, उसके बाद अब खाई है मैंने। बट अदरवाइज मैं दूसरी आइसक्रीम्स तो खा लेती हूँ, बट ये वाली नहीं। तो उसके बाद फिर मैं मोटर वाली दुकान पर गई, भैया को मैंने बोला, बताया। मैंने कहा भैया मैंने अभी 1200 रुपये में वाइंडिंग करवाई थी पुरानी मोटर की, वो मोटर पूरी जल गई थी। तो भैया ने मुझे बोला एक बार ना प्लम्बर को बुला के दिखा लो, क्या पता कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो उस मोटर में, और आप नई खरीद के ले जाओ और बाद में वो आपके कोई काम भी ना आए। तो ये बात मुझे जच गई भैया की। भैया ने बोला कि वैसे ये मोटर इन्होंने मुझे दिखाई जो आपको सामने दिख रही है, 4000 रुपये की इन्होंने बोली। मैंने कहा कंपनी कौन सी है, ब्रांड कौन सी है, तो बोलते यही वाली ब्रांड की बेच रहे हैं हम काफ़ी टाइम से। तो मैंने कहा ठीक है एक बार मैं प्लम्बर को दिखा लेती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरी मोटर नहीं चल रही। यहाँ पे मैं आई थी अपनी वीडियो डालने के लिए, डेली खड़ी रहती हूँ, 1.5-2 घंटा तो मेरा यहीं चला जाता है। और विहान ने 2 दिन से यही कपड़े पहन के घूम रहा है, सुबह नहा के यही पहन लेता है। बोलता है मम्मा मेरे को तो फौजी बनना है, मेरी टोपी कहाँ है, मेरे ड्रेस कहाँ है, मेरे को मेरी कपड़े दो। फिर यहाँ पहन के पुष्पा पुष्पा डांस करने लग रहा था विहान। मैं फिर अंदर गई, अंदर जाके ये वीडियो आपको पता ही है मेरी, यहाँ मैंने बैठ के बोल के आप लोगों से बातें करी थी, तो मेरी बोलने की वीडियो जा रही थी 2-3 दिन, तो इधर मैं यहाँ पे शूट लेने लग रही थी। और आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आप लोगों के कॉमेंट्स, इस टाइम मुझे नहीं पता मेरे कॉमेंट सेक्शन में क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे खुद नहीं पता कि लोग क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी 1 महीने के लिए मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा कॉमेंट सेक्शन ना पढ़ूँ अपना। तो यहाँ पे देखो ये है गन्ने का जूस जो कि मैंने लिया था विहान के लिए, लिया था विहान ने आधा पिया था, विहान को पिलाने के लिए फिर लेकर आई थी। अगली शाम का दिन था, उस शाम से अगली शाम, क्योंकि इतना मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया पिछले 2-3 दिनों में, इतना मैंने वीडियो शूट नहीं किया। तो विहान को गन्ने का थोड़ा सा जूस मैंने पिया, विहान ने भी पिया। फिर विहान बोलता कि मम्मा मुझे प्यास लग रही है। तो यहाँ पे देखो मैं डिस्पोजल में अपने पर्स में ही रखती हूँ एक आधा, क्योंकि विहान को प्यास लग जाए तो कहीं भी मैं पिला देती हूँ पानी। उसके बाद फिर मैं घर आई, घर आने के बाद मैं अपनी, मेरी ये वीडियो गई थी आपको पता ही है, मैं लाइव भी करी थी इस टाइम यहाँ बैठ के कमरे में। उसके बाद मैं आई थी अगले दिन, नेक्स्ट डे फिर मैंने विहान के लिए 10 रुपये वाली मंच खरीदी थी। और चलो खाना घर में बना हुआ है, विहान ने भी अच्छे से खाया था। खाने में विहान ने खाए थे चावल और छोले, छोले चावल विहान को पसंद आए थे, अच्छे से पेट भर के खाया था। मैंने भी ये सुबह के टाइम खाया था छोले चावल। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं यहाँ दुकान पे, शाम का टाइम था, हमने सोचा चलो हम बाहर जाएंगे, घूमें फिरेंगे, थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाएगा। तो विहान को लेके निकल ली थी मैं, तो यहाँ विहान को 10 रुपये दिए थे और विहान 10 रुपये लेके चीज़ लेने गया था। अच्छा ये भी दे दिया, ये क्या होती है? ये बिस्किट होती है। अच्छा कौन सी तो खाऊंगा। अच्छा कैसी है? चॉकलेट वाली है। उसके बाद मैंने यहाँ 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया गाड़ी में अपनी, और फिर मैं आ गई थी यहाँ एक दुकान पर जहाँ पर खाने पीने का काफ़ी कुछ था, फास्ट फूड का स्टॉल था। देखो कौन कौन सी है, हैं? मैं दिलवाऊंगी, मैं पसंद करूंगी कौन सी आइसक्रीम दिलवाऊंगी, ठीक है? ये दिलवा देती हूँ छोटी वाली, सबसे छोटी। भैया इसमें जो कप है ना, सबसे छोटा कप दे दो इसको, एक छोटे वाला, ठीक है बेटा? बड़ा कप, बड़ा कप है ना, बड़ा है बेटा, बड़ा है। अच्छा बड़े वाला कप देंगे, बड़ा वाला, बड़ा कप दे रहे हैं बेटा, आजा। नहीं नहीं छोटा नहीं देंगे, मैंने बोल दिया ना बड़ा कप देंगे, अब मैंने बोल दिया। व्यान को बड़ा कप चाहिए, बैठ जा, यहीं आ रही है, यहाँ बैठ जा, कुर्सी पे बैठो बेटा। ले सबसे बड़ा देता हूँ, ये ले,
वाओ इतना बड़ा, ये हमको इतना बड़ा मिल गया। पकड़ वो आ रहे ठीक है, इधर बैठ जा, इधर बैठ जा। तो ये वापस करवाई है, ये वाली ले रहा है ये विहान यहाँ पे। माइक भी बाइट ना ले, सारी आप खाओगे, ले बैठ के खा ले फिर, जब जब पेट भर जाए मुझे दे दियो। अरे मैं दे रही हूँ ना, टूट जाएगी ऐसे। यहाँ सामने बैठ जा, कहीं बैठ जा जहाँ अच्छा लगे। तो इधर से मैं एक तो बर्गर लूंगी और एक प्लेट फिंगर चिप्स। एक बाइट दिखा दे कैसी है, एक बाइट ठीक है, चख के देखूंगी बस थोड़ी सी। दे दे चख के देखने दे ना मम्मा को कैसी है, चख के देखो। हाँ दे दो, इतनी ऊपर रखेगा तो कैसे चखूंगी। अच्छा मेरी तरफ लाओ, मेरी तरफ लाओ, मेरे मुंह की तरफ लाओ बेटा, थोड़ा सा चखने दो ना मम्मा को भी प्लीज। दे दो ना बेटा, क्या मम्मा को भी दे दो, एक बाइट दे दो बेटा, शेयर करके खाते हैं ना, एक दे दे बेटा। थोड़ा सा कर लेना शेयर, थोड़ा सा कर ले मेरा बच्चा शेयर, मैं दे देना थोड़ी सी बेटा। एक 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 बाइट छोटी सी लूंगी, बिल्कुल ही छोटी सी, करने देना एक बाइट। हाँ दे देना विहान, नहीं देगा, थोड़ी सी भी नहीं देगा, एक छोटी सी दे दे, छोटी सी इतनी सी दे दे, दे दे इतनी सी, दे दे ना बेटा इतनी सी दे दे, छोटी सी दे दे। शेयर नहीं करता अपनी चीजें, शुरू खिलौने शेयर कर लेगा, खाने पीने की चीजें नहीं शेयर करता ये, खिलौने सारे दे देगा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स में सारी दे देगा चीजें, बाकी इसको है खाने पीने के मामले में जो इसको चीज पसंद है वो नहीं देगा। वैसे ना इनका फास्ट फूड मुझे अच्छा भी लगा, टेस्टी भी लगा और सस्ता भी लगा। मींस 110 रुपए में देखो 20 रुपए की तो चोकोबारी हटा दो तो 90 रुपए में इनके फ्रेंच फ्राइज भी आ गए हैं और ये बर्गर भी आ गया है, तो ये तो बहुत ही सही रेट में है। इसका मतलब तो करीबन 30 रुपए का इन्होंने मुझे बर्गर दिया, 60 रुपए के ये फ्रेंच फ्राइज दिए। हमारी सोसाइटी में जो दुकान खुली थी वो भी इतने का ही देते थे, कुछ ऐसा नहीं था कि वो अलग कम रेट में देते थे, इतना ही रेट था। बट इनका जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, खाना बहुत बढ़िया लगा। वैसे हमारी सोसाइटी का भी अच्छा था जो देते थे ना फ्रेंच फ्राइज बर्गर, लेकिन वो बंद हो गया है, पता नहीं क्यों हुआ, दुकान बंद हो गई। वो जो खुली थी ना मैंने आपको दिखाई थी खाने पीने की, 6-7 महीने तो खुली रही, अच्छा था खाना, लेकिन पता नहीं क्यों बंद हो गया अब। तो यहाँ मैं आई थी, आज का दिन है, अब मैं आ गई प्रेजेंट में, आज के दिन ये देखो। आप ये बताओ मेरे इन कपड़ों में क्या बुराई है, आप ही बताइए, कितनी अच्छी लग रही है ना। मैंने शॉर्ट्स पहन रखे हैं और लॉन्ग टी शर्ट पहनी है शॉर्ट्स के ऊपर, आजकल यही फैशन में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। मीन्स इस तरीके से पहने जाते हैं, लॉन्ग टी शर्ट पहन लेते हैं, नीचे हम शॉर्ट्स पहन लेते हैं। पहले होता था शॉर्ट टी शर्ट, हाफ टी शर्ट पहनते थे नीचे शॉर्ट्स, बट आजकल यही फैशन चल रहा है, कहीं भी देख लीजिएगा आप, लॉन्ग टी शर्ट्स पहनते हैं। इसमें इसको पहन के ऐसे लगता है जैसे आपने जींस वगैरह कुछ पहन नहीं रखा, लेकिन मैंने इसके नीचे शॉर्ट्स पहन रखे हैं। तो इस तरीके का मुझे ड्रेस मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे पसंद था, तो मैंने आज घर में सुबह यही पहन लिया था। तो मैं आज बस जल्दी जल्दी में थी, मैं सोचा चलिए यही पहन के चली जाती हूँ बाज़ार, और मैं मार्केट गई। यहाँ पे मैंने 50 रुपए की अपनी एक आलू नान की प्लेट खरीदी थी, और ट्रस्ट मी मुझे बाज़ार में कोई भी नहीं घूर रहा था। ऐसे होता है ना कहीं लोग जैसे ऐसे देखते रहे कि हाँ लड़की ने इस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही कम लोग थे, मतलब 100 में से 4 या 5 लोग होंगे इस तरीके के, बाकी सब मुझे लगा कि कम्फर्टेबल थे मेरे इन कपड़ों में जैसे मैं घूम रही थी, ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, ओड नहीं लगा मेरे को बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखिए ये नान थे, ये नान मैंने करवाए उसके बाद पैक, उसके बाद मैंने यहाँ से दवाई खरीदी थी, और दवाई ख़रीदने के बाद मैं सीधा यहाँ पे आ गई थी। ये देखो बताऊँगी क्या दवाई थी क्या नहीं थी अभी आगे वीडियो में, यहाँ बताती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए मैंने केले ख़रीदे थे, मैंने 30 रुपए के केले ख़रीदे, क्योंकि केले आजकल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में, विहान भी खा लेते हैं। और ये देखो ये खाना मुझे बहुत मेरा फेवरेट है यहाँ का खाना, 50 रुपए की प्लेट देते हैं बहुत अच्छे से, मेरा 2 टाइम चल जाता है, एक टाइम में मेरे से एक ही नान खाया जाता है, दूसरा नान मैं फिर दिन में खा लेती हूँ, 2 टाइम का मेरा खाना चल जाता है। ये अच्छा है, छोले अच्छे हैं इनके, छोले भी दाल और छोले बहुत अच्छे हैं इनके, तो मैंने यहाँ से पैक करवाया। बैठ जा, मैं आ रही हूँ भी, ठीक है यहाँ बैठ के खा लियो, ठीक है मैं गर्मी में क्यों परेशान होएगा, यहाँ बैठ जा। मैं तो धूप में जाके वीडियो डाल के आऊँगी यहाँ टावर पे।
तो आजकल मेरे को एडिटिंग करनी होती है तो मैं इस वाले घर में आ जाती हूँ। मम्मी अभी विहान के साथ वहाँ बैठी हुई हैं और मेरे बाल आप देखोगे ना चिपचिप हो रहे हैं, एकदम शैम्पू करने लायक हो गए हैं एकदम। होता नहीं, मैं कभी ना दिन याद नहीं रखती कि मैंने कितने दिन से सिर नहीं धोया, मुझे नहीं पता चलता। मैं अपने बालों को टेक्स्चर जब उसको मैं बालों को अपने छू के देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि चिपचिप टाइप हो गए हैं, तो मुझे समझ में आ जाता है कि अब मुझे हेयर वॉश करना पड़ेगा, टाइम आ गया है। वैसे नहाती मैं रोज ही हूँ बट सिर मैं हर रोज़ नहीं धोती हूँ, हेयर वॉश रोज़ नहीं होते यार, लंबे बाल हैं। हफ्ते में दो बार कर लो काफ़ी है इतना। तो आज मेरे को एक बात बताइएगा, मेरी वैसे ये ड्रेस कैसी लग रही थी, मतलब लॉन्ग टी शर्ट तो मेरी काफ़ी टाइम पुरानी है, आपको ही पता है मैं करीबन 1.5 साल से ज़्यादा 2 साल से पहन रही हूँ ये टी शर्ट्स। मेरे कपड़े सारे पुराने हो रखे हैं, कोलैब्स मिल नहीं रहे, अगर मिल जाएँ तो नए कपड़े खरीद लूँगी। तो पापा हुआ क्या कि जब मैं आई ना यहाँ घर, तभी मेरे पापा जी आए हुए थे यहाँ पे, उन्होंने मेरे को देखा कि ये ऐसे पहन रखी, वो मतलब पहन के आई है बाजार से। तो पापा जी बोलते इसके नीचे पजामी तो पहन ले, मतलब इस टी शर्ट के नीचे। तो मैंने कहा पापा जी पहन तो रखे हैं, शॉर्ट्स पहन रखे हैं। बोलते शॉर्ट्स पहन रखे हैं तो पजामी भी पहन ले। तो हुआ क्या बात बताती हूँ, मैंने अभी कल परसों वीडियो बना दी ना जिसमें मैंने ऐसे बताया कि हाँ मैंने शॉर्ट्स पहन रखे थे, एक लड़का आ गया मेरे पास आके, मतलब ऐसे ही मतलब बात करने की कोशिश कर रहा था, तो और मैंने बता दी बात वीडियो में। तो वही हो जाता है देखो, अगर हम ऐसी बातें फिर घर पे पता चलती है तो माँ बाप यही सोचते हैं कि यार बच्चों को ही समझा लो कि इस तरीके के मत पहने कपड़े। लेकिन मेरे फादर का ऐसा नहीं है, देखो मैं घर पे पहन सकती हूँ, गर्मी होती है, वीडियोस में भी पहन सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कैमरे में कोई कैमरे में से घुस के थोड़ी मेरे पीछे लग जाएगा है ना, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं कैमरे में पहन सकती हूँ इस तरीके के कपड़े, और घर पे भी पहन सकती हूँ, अपनी सोसाइटी में भी पहन सकती हूँ, अगर मैं यहाँ तक जा रही हूँ कॉम्प्लेक्स तक जा रही हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि बस ये है कि मार्केट में ना पहनूं इस तरीके के कपड़े, जैसे बाजार में जाती हूँ मैं या कोई जगह देख के, जैसे मान लो आप किसी होटल वगैरह में जा रहे हो, किसी अच्छी जगह पे जा रहे हो, रेस्टोरेंट जा रहे हो, थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा माहौल है बढ़िया, तो वहाँ मैं पहन सकती हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अपना यहाँ तो पहन ही सकती हूँ। तो मैं यहाँ दुकान पे गई थी ना, तो वो चूहे की उनकी दवाई लेकर आई, चूहे की दवाई, क्योंकि मेरे घर में ना जंगली चूहे हो गए हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने इतनी बार पिंजरा लगाया, ये चूहे पिंजरे में आ ही नहीं रहे हैं। वो छोटी चूहियां, इतने इतने चूहे होते हैं ना, वो आ जाते हैं। ये चूहे ना पिंजरे के साइज से बड़े हैं, मेरे घर में 3-4 आ गए, पता नहीं कहाँ से आए, समझ नहीं आया। इतने बड़े बड़े भयंकर चूहे हैं ना, रात को अगर मैं लाइट बंद करके सोई ना, मेरे उस दिन हाथ पे काट गया चूहा, मतलब इस तरीके से इतने भयंकर हाथी जैसे चूहे। मतलब पीछे मैंने सामान रखा हुआ, कल मेरे डब्बे फेंक दिए सारे चूहों ने, मतलब इतने भारी भारी डब्बे फेंक दिए, मतलब तहस नहस, ऐसे आवाज, रात को सो रही हूँ तो ऐसे आवाजें आ रही होती है चूहों की, ऐसा लगता है जैसे मैं अकेली नहीं रह रही, पता नहीं कितने लोग रह रहे हो मेरे घर में। इतना मतलब परेशान कर दिया ना चूहों ने। फिर मैं दवाई लेकर आई चूहों की, मैंने कहा आज मैंने फिर रोटी आटा गूना, उसमें मैंने फिर गोल गोल लोई बना के मैंने 3-4 जगह रख दिए छिपो के, आज देखो 1-2 दिन में। बाकी चूहों वाली जो दवाई लाई ना मैं जिस दुकान पे गई, तो दुकान वाले भैया बोलते कि ना मतलब उन पहले ना आप बताऊं बोर्ड लगा रखे होते थे चूहों की दवाई के, मैंने कहा यार ये बेचते तो थे पर चूहों की दवाई का बोर्ड नहीं लगा रखा। तो फिर वो बोलते बाद में कि एक्चुअली ना हमारे ऊपर वो दिक्कत आ गई कुछ, एक बंदे ने चूहे वाली दवाई लेके चला गया हमारे वहां से और खुद खा गया और ऊपर पहुंच गया, मतलब एक्सपायर हो गया वो, तो पुलिस वालों ने बैन कर दिया इस तरीके की दवाइयां ऐसे मतलब खुली बाजार में बेचना। तो अब वो चीजें बिकती हैं बट छिप छिप के बिकती हैं, जैसे अगर आपको खरीदनी हो ना, मतलब हर दुकान पे नहीं मिलती, पहले बहुत आम थी ये चीजें मिल जाती थी। तो अब वही बता रहे थे, बोलते अब हमें कहीं और रखनी पड़ती है, अगर कोई ग्राहक आए तब हम मतलब निकालते हैं, कभी दुकान पे नहीं रखते ऐसी चीजें, मतलब कहीं और से फिर बाइक पे जाके लेके आए, बोलते आपको जरूरत है तो दे देते हैं। तो ये बात है, तो इस तरीके से ना मेरे को भी डर लग रहा था, मैं ले आई मेरे को, क्योंकि मेरा खुद का ही मुझे भरोसा नहीं लगता कहीं ऐसा हो कि मेरा वैसे मैं भी टेंशन में ही रहती हूँ इतनी ज़्यादा, और कहीं मेरे को कोई टेंशन हो जाए और मेरे घर में ऐसी चीज़ पड़ी हो, मैं ही गुस्से में खा जाऊँ, मेरे को मेरा खुद का ही मेरा कोई भरोसा नहीं है। अगर मेरा विहान की वजह नहीं होती ना, विहान ना होता तो क्या ऐसी चीज़ मैं रख नहीं सकती अपने पास, क्योंकि मेरा खुद ही क्या पता खाने का मन कर जाए, मेरे को क्या पता यार, सिचुएशन कुछ भी आ सकती है। तो ऐसी चीज़ें वैसे भी घर में रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि कब इंसान का दिमाग फिर जाए कुछ कह नहीं सकते। तो इसीलिए ना मैंने तो जितनी थी ना, मैंने वो बोलते भैया 2 पैकेट ले जाओ, मैंने कहा ना 2 नहीं, बोलते आगे भी काम आ जाएगी रख लेना अपने घर, मैंने कहा रखूंगी नहीं, 1 ही दे दो, जितनी जरूरत है उतना ही दे दो मुझे, बस 1 ही पैकेट दे दो। फिर मैंने वो पूरा यूज में लगाया, मैंने कहा 4 गोलियां बनाई मैंने,
इतना सा बचा हुआ था तो मम्मी यहाँ ले गई इस घर में, बोलती यहाँ पे भी लगा दूंगी मैं, तू फेंकेगी। तो मेरे को तो मेरी मम्मी का भी डर लग रहा, अभी भी लग रहा है। मैंने कहा मेरी मम्मी मेरे से वो आटे की लोई लेके चली गई, उसमें तो वो है ना, मतलब वो बहुत हार्ड वाला है, चूहे वाला, वो छोटे वाला नहीं है जिससे कुछ नहीं होता, वो बहुत ही वो ऐसा वाला है। कहीं मेरी मम्मी क्या करे, उनको याद रहे ना कि आटा वो वाला है और रोटी बना के खा जाए, है ना। तो मम्मी को अभी भी याद दिलाऊंगी मैं, मेरे को तो डर यही चीज का। मैं सोच रही थी इनका कुछ याद तो इनको रहता नहीं है, लेके चली गई मेरे से वो पोलोथीन में। कई बाद में सोचे, आपको पता ही है मेरी मम्मी का हाल, रसोई में इतना इतना सामान रखा हुआ है, इतना कुछ खाने पीने का, उस पर उनको खुद ही याद ना रहे कि ये वो वाला चूहे वाला आटा है, कहीं उसी की रोटी बना के खा जाए। तो मैं उनको याद दिला दूंगी, मम्मी से पूछूंगी कहाँ रखा हुआ है वो, है ना। तो यही बात हो जाती है। तो बस चलो करेंगे शुरुआत आगे, पहले इन चूहों को निकालते हैं अपने घर से, उसके बाद अच्छे से फिर अपनी रसोई सेट करेंगे, धीरे धीरे अब किचन सर्विस शुरू कर देंगे। मेरे फ्लेक्स बोर्ड्स भी आने हैं, मैंने फ़ोन किया था भैया को, एक दो दिन में याद दिलाऊंगी दोबारा। चलो एंड करती हूँ वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।